हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो मैं हूं रवि मल्होत्रा और ये है मेरी स्कॉर्पियो एन। तो जैसे कि मैं आपको इसके बारे में बताता रहता हूं, तो इसके बारे में मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी गाड़ी में हिल होल्ड है तो वो कैसे काम कर सकता है। वो दोनों तरीके से काम करेगा, अगर आपकी गाड़ी ऐसे हो या आपकी गाड़ी ऐसे हो। आपकी गाड़ी ऐसे है, रिवर्स आपने गियर लगा रखा है, आप ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप अपनी ब्रेक छोड़ते हैं तो 2 सेकंड का आपको होल्ड मिलेगा। और अगर आपकी गाड़ी ऐसे है और आपने पहला गियर लगा रखा है और आपको तब थोड़ी सी इसकी हेल्प चाहिए, उसका हिल होल्ड असिस्टेंस चाहिए, तो तब आपका असिस्टेंस ऐसे काम करता है और वो ऊपर की तरफ आप जाने लगेंगे तो आपको 2 सेकंड का पूरा वो होल्ड देगा। तो हिल होल्ड तो ऐसे काम करता है। बाकी रही बात इसके अंदर, क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो इसके अंदर है, इसकी डिस्क के अंदर है ऑटो डिस्क वाइपिंग फीचर। और वो ऑटो डिस्क वाइपिंग फीचर कैसे काम करेगा, तो वो ऑटो डिस्क वाइपिंग फीचर कैसे काम करता है। वो काम करता है कि जब आपकी गाड़ी 70 से ऊपर की स्पीड पे चल रही हो, 70 या 70 से ऊपर की स्पीड पे चल रही हो और आपके जो वाइपर ब्लेड्स हैं वो ऑन हों, जब वो ऑन होंगे तो आपका डिस्क वाइपिंग फीचर काम करेगा और उसके ऊपर जो भी इसके ऊपर वेपर्स वगैरह हैं वो क्लीन हो जाएंगे। इसी सिचुएशन में वो काम करता है। तो गाइज, जैसे कि मैंने बताया हिल होल्ड असिस्टेंस आपको कैसे मिलता है, ये मैनुअल के बारे में मैंने आपको बताया कि मेरी गाड़ी मैनुअल है तो 2 सेकंड के लिए इसके अंदर असिस्टेंस मिलता है। कि अगर आपकी गाड़ी इस सिचुएशन में है, फेस अप, यानी इसका जो नोज है वो अप है और आपने फर्स्ट गियर लगा रखा है और आपको हेल्प चाहिए तो 2 सेकंड का असिस्टेंस आपको मिलेगा अगर आपने ब्रेक छोड़ी और एक्सीलेटर दबाया। लेकिन अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो सिर्फ 1 सेकंड का ही आपको मिलेगा, ठीक है। दोनों सिचुएशन में, ऑटोमेटिक में भी अगर आपका फेस डाउन है, यानी आपकी अगर आपके नोज है वो नीचे की तरफ है और आपने रिवर्स गियर करके आप पीछे की तरफ गाड़ी ले जा रहे हैं और आपको असिस्टेंस चाहिए हिल होल्ड का, जो कि बाय डिफॉल्ट इस गाड़ी के अंदर है, दैट्स अ सिक्योरिटी फीचर इन द कार, तो उसको आपने अगर लेना है तो आपको 1 सेकंड से ज्यादा की हेल्प नहीं मिलेगी ऑटोमेटिक के अंदर। तो ये डिफरेंस है एक मैनुअल और एक ऑटोमेटिक के अंदर हिल होल्ड असिस्ट का, ठीक है। अब ESP की बात कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ESP ऑन होता है, ठीक है। वो आप जब भी गाड़ी स्टार्ट करेंगे आपका ESP बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। तो अगर आपको उसको ऑफ करना है तो ये बटन है, आप उसको मैन्युअली इसको आपको ऑफ करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि आप ऑफ कैसे कर सकते हैं और उसका ऑफ करना है तो मैं इसको ऑफ का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे ऑफ आ गया। तो ऑफ का मतलब है, अगर यहाँ पे ये आपको साइन दिख रहा है तो दैट मीन्स ये अब आपका ESP जो है ये ऑफ हो चुका है और ये आपको दोबारा से अगर आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तभी ये ऑन होगा, ये ऊपर वाला, हाँ, वाला ऑफ, 20 डिग्री सेल्सियस से पहले है, हाँ, ये ऑफ है, ठीक है। अब ये ऑफ हो चुका है, हाँ, बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही रहता है। तो इसको अगर हटाना है तो इसको मैं वापस इसको दबा रहा हूँ तो ये हट गया, तो इसका मतलब हम ESP ऑन है, ऑफ नहीं है। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। आप वीडियो तो हमारा देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट, क्योंकि हमारे जो व्यूज है ना वो काफी हजारों में आए हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स हमारे कम हैं, पर जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमें और सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, वो भी सब्सक्राइब प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर आवर वीडियोज़ एज वेल। थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ गुड टाइम एट, बाय।